हाय दोस्तों, मैं कमलेश बंजारे आप सभी का हमारे YouTube चैनल द बंजारे ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं। आज का जो ये वीडियो है वो साधारण ब्याज के टाइप 7 का वीडियो है। इसमें हम टाइप 7 से जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। टाइप 7 का पहला क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धन 4 वर्ष में 2 गुना हो जाए तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। दोस्तों हमें फार्मूला पिछले वाला ही यूज करना है जो मैंने लिख रखा है। जो दिया गया वैल्यू सबसे पहले उसे लिखते हैं और उसके बाद जिसे फाइंड आउट करना है उसे क्वेश्चन मार्क करके लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। समय दिया गया है 4 वर्ष, गुना दिया गया है 2, तो यहाँ आर फाइंड आउट करना है। इसके बाद दिया हुआ है टी को फाइंड आउट करना है और गुना दिया गया है 4, तो हमारा जो आर निकलेगा वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, फार्मूले में पुट करते हैं वैल्यू को, मतलब एक ही प्रश्न में 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पहला क्वेश्चन दूसरा, 2 आंसर आएंगे इसके। फार्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, आर इक्वल टू 2 - 1 × 100/4, 25 × 100, आर की वैल्यू आ गई 25%। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर हुआ जो कि ये है। ठीक, अब आर हो गया 25%, गुना हो गया 4 और टी को निकालना है, तो वैल्यू को पुट अप करते हैं डायरेक्ट। गुना 4 दिया हुआ है इंटू 100, आर दिया हुआ है 25%। ठीक, तो 3 × 100/25, 25 × 100 और 4 × 3 = 12, 12 वर्ष। तो हमारे दोनों ही आंसर आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले और प्रश्न को सॉल्व करते हैं ताकि आपको जो थोड़ा बहुत भी डाउट होगा वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि कोई धनराशि 20 वर्ष में 2 गुनी हो जाए तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो दिया गया वैल्यू फिर से लिखते हैं, टी दिया गया है 20 वर्ष, गुना दिया गया है 2 और आर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद ये पहला हो गया, एक ही प्रश्न में 2 क्वेश्चन चल रहे हैं। दूसरा टी को फाइंड आउट करना है, ये आर जो आंसर आएगा वो इसमें ऐड हो जाएगा और गुना दिया गया है 4। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूले में पुट करके आंसर निकालते हैं। आर इक्वल टू 2 - 1 × 100/20, 1 × 100 ये 20 × 25 = 100, आर का वैल्यू निकल गया, ये हमारा पहला आंसर। आर 5% और ये आर 5%। अब निकालना है अपने को टी, ये पहले का था अब ये दूसरे का निकाल रहे हैं टी, तो 4 गुना दिया हुआ है, 4 - 1 × 100/5। ठीक, तो 3 × 100 5 × 20 = 25, 20 × 60, तो हमारा आंसर दूसरा वाला भी आ गया, 60 वर्ष। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इस टाइप के एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए, टाइप 7 का तीसरा क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज की दर से एक विशेष दर पर कोई धन 3 वर्ष में 7 गुनी हो जाए
तो कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया गया रहता है उसको लिखते हैं, उसके बाद प्रश्न को दोबारा पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टी दिया गया है 3 वर्ष, गुना दिया गया है 7, आर को फाइंड आउट करना है, तो ये पहला हो गया। और ये दूसरा इसी में ऐड है, कितने वर्षों में, मतलब टी को ज्ञात करना है और गुना दिया गया है 10। आर हमारा यहाँ से निकलने के बाद इस दूसरे क्वेश्चन में ऐड हो जाएगा। वैल्यू निकालते हैं डायरेक्ट फार्मूला पुट करके, आर इक्वल टू 7 - 1 × 100, 3 × 6 × 100, 3 × 6 = 200, 200% हमारा आर निकला। अब ये पहले का हल हो गया, अब दूसरे का हल निकालते हैं। इक्वल टू 10 - 1, 100/200, 20 से 20 कट गए और ये 9/2 हो गया। चार दुनिया 8 × 1 = 9/2, ये 4.5 वर्ष। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, टाइप 7 में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो दो क्वेश्चन को एक साथ ही ऐड किए रहता है। बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। टाइप 8 का पहला क्वेश्चन है, दिया गया है किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्ष में समय की संख्यात्मक मान बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न कहता है हमें वैसा ही करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है, साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज अर्थात SI इक्वल टू मूलधन का 16/25, मूलधन का मतलब P का इंटू 16/25। ठीक, पक्षांतर कर लेते हैं, SI/P 16/25। तो ठीक है, यहाँ से हमें SI 16 और P 25 मिल गया दोस्तों। तो अब SI का फार्मूला हम जानते हैं, PRT/100। ठीक है दोस्तों, यहाँ SI वैल्यू पुट अप करते हैं। P दिया गया है 25 और प्रश्न में ये भी दिया गया है कि R = T, मतलब R के जगह हम R लिखेंगे और T के जगह भी R लिखेंगे। ठीक, अपान 100 और SI का वैल्यू दिया गया है 16/25, तो P हमारा वैल्यू निकल गया 25। SI हमारा दिया गया है 16, तो फाइंड करते हैं 25, यहाँ 25 R का स्क्वायर, ये 16 × 100। ठीक है दोस्तों, ये अगला हो जाएगा R स्क्वायर 16 × 100/25, 25 × 100 ये कट गया और ये हो जाएगा R² = 16 × 64। ठीक, मतलब अगर स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र करें तो R = हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों,
हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। दिया गया है कि SI बराबर मूलधन का 16/25, मतलब उसको पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर हमें SI मिल गया, P मिल गया, और दिया गया है प्रश्न अनुसार R=T। तो SI के फार्मूले में पुटअप करेंगे, SI=PRT/100, 25 R के जगह R लिखेंगे, T के जगह भी R लिखेंगे। ठीक है, =16 हमारा SI का वैल्यू दिया गया है। इसको यहाँ ले आए, 25 × RR का स्क्वायर हो गया, 16 × 100 को इधर ले आए। ठीक, 25 को पक्षांतर करके नीचे ले आए, R के स्क्वायर बच गया, जो कटा उसे काट दिए। काटने के बाद में स्क्वायर को ट्रांसफ़र किए, रूट बन गया। रूट बनने के बाद में उसका वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, R का वैल्यू 8% आ गया। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। टाइप पार्ट का दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न क्या कहता है? किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/36 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्ष में समय की संख्यात्मक मान बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जो दिया गया वैल्यू है प्रश्नानुसार उसको लिखेंगे और डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये सब आसानी से बनने चाहिए। दिया गया है SI=P/25/36 का मतलब होता है इनटू। ठीक, पक्षांतर किए, 25/36, यहाँ SI का वैल्यू निकल गया 25, P का वैल्यू निकल गया 36। SI का फार्मूले हम डायरेक्ट पुट करेंगे और यहाँ प्रश्नानुसार दिया गया है R=T। ठीक, और हमें R ही ज्ञात करना है, PRT/100। P दिया गया है 36, R के जगह R लिखेंगे, T के जगह भी R लिखेंगे, /100। SI दिया गया है 25। ठीक, तो अपन पक्षांतर कर देंगे, RR स्क्वायर हो जाएगा, ये 100 इधर चला जाएगा। ठीक, इसके बाद R² 25/100/36, जो करता है काटते हैं, ठीक है, इसके बाद रूट को ट्रांसफर करते हैं। R=25×25 और 9 को 3×3 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो R का वैल्यू आ गया 25/3, जिसको R 8×1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न भी आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगले टाइप 8 का तीसरा क्वेश्चन है, किसी धनराशि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि ब्याज पर दी जाने वाली मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो तो समय ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, जो दिया गया है उसे लिखते हैं। SI=, दिया गया है P/4/9। ठीक, पक्षांतर करते हैं, यहाँ से SI का वैल्यू निकल गया 4, P का वैल्यू निकल गया 9। ठीक, और यहाँ प्रश्नानुसार दिया गया है T=R और T को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, डायरेक्ट फार्मूले में लिखेंगे SI=PRT/100। SI दिया गया है 4, P दिया गया है 9, R के जगह भी T लिखेंगे और T के जगह भी T लिखेंगे। ठीक, T का स्क्वायर ये 100, तो इसे T² 100 को 4 के तरफ ले जाएंगे,
और 9 को नीचे ले आएंगे, ठीक है। टी का स्क्वायर इक्वल टू, जो करता है काटेंगे, जो नहीं करता उसे छोड़ देंगे। स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे, सौ गुड़ी चार, ये 9, तो इसको तोड़ेंगे, 100 को 10 गुड़ी 10, गुड़ी 2 गुड़ी 2, 3 गुड़ी 3, मतलब टी हो गया हमारा 10 दुनी 20 अपान 3, 20/3, 6 3 18 2 20। तो हमारा आंसर आ चुका है 6 × 2/3, इतने वर्ष लग जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक करें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।